आज से हिंदी पढ़ाना स्टार्ट करूँगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो हमें हिंदी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, भाई हिंदी कौन कौन से एग्ज़ाम में आती है और कौन कौन से एग्ज़ाम में नहीं आती। जो यूपी के सारे एग्ज़ाम हैं, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम दोगे उसमें सब में हिंदी आई, ऑल यूपी के एग्ज़ाम में। हिंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूपी के एग्ज़ाम के लिए, पटवारी हो, वीडियो हो, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, कोई सा भी फॉर्म भरोगे सब में हिंदी ज़रूरी आएगी। अब जैसे कहीं कहीं का एग्ज़ाम होने वाला, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी है, 50 नंबर की हिंदी आएगी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अभी यूपी बीएड का एग्ज़ाम है 15 अप्रैल को, उसके बाद में फिर जेल वार्डन का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी हिंदी आएगी। पटवारी के फॉर्म आने वाले हैं, उसमें भी हिंदी आएगी। अब ये डिफ़ाइन करता है कि उसमें आएगी कितने नंबर की, किसी में कितने नंबर की आएगी, किसी में 25 की आई, किसी में 38 की आई, किसी में 50 की आई। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है हिंदी का, हिंदी के सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें कि वोकैब, जो वोकैब है वो तैयार करनी पड़ेगी सबको अलग अलग। ठीक है, वोकैब कम से कम 10 नंबर की, 10 या 12 नंबर की तो वोकैब हो जाती है, और ग्रामर हो जाएगी। फिर देखेंगे सिलेबस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का टॉपिक ऐसा है कि 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगेंगे, 3 से 4। दूसरा टॉपिक आता है शब्द रचना। शब्द रचना एक अपना अलग से टॉपिक है, कम से कम 5 नंबर का आएगा, 4 या 5 नंबर का आएगा जरूर, 4 से 5 नंबर। शब्द रचना में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। हंड्रेड % श्योर है कि तत्सम तद्भव एग्जाम में आते, किसी एग्जाम में 4 भी आ जाएंगे, 2 तत्सम शब्द आ गए, 2 तद्भव शब्द आ गए, 4 या 4 क्वेश्चन तो इन्हीं के हो जाते हैं। फिर देशज, विदेशज, देशज विदेशज शब्द भी आते हैं। और फिर कौन कौन से 3 पार्ट और पड़ेगी, एक ये तो ये 2 आधार पर होते हैं शब्द रचना, तो रचना के आधार पर और एक स्रोत के आधार पर। देशज और विदेशज शब्द, फिर आता है तो आता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये अपना अलग सा टॉपिक हो गया, कम से कम 4 या 5 नंबर का अलग आएगा बिल्कुल इसमें से। ठीक है, 4 या 5 नंबर के बनेगा इसमें से। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है 3रे नंबर पे हम चलेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का अपना अलग सा टॉपिक चलेगा। हिंदी व्याकरण 2 भागों में उठी, एक तो विकारी शब्द में और एक अविकारी शब्द में। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, वे 2 विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द भी होते हैं जिनमें हम अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वे अविकारी शब्द होते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें संज्ञा, संज्ञा के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें लिंग, लिंग के बाद में हम पढ़ेंगे वचन, वचन के बाद में हम पढ़ेंगे सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में हम पढ़ेंगे काल, काल के बाद में हम पढ़ेंगे कारक, कारक के बाद में हम पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण के बाद में हम पढ़ेंगे, विशेषण के बाद में हम पढ़ेंगे क्रिया। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। और कौन सा बचा, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, सर्वनाम, कारक, ये पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है, अब आता है एक पार्ट बनता है इसका अवयव का, अवयव को हम अविकारी शब्द बोलते हैं,
अविकारी शब्द भी होता है जिनमें हम अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें हम पांच पार्ट पढ़ेंगे। पांच पार्ट में सबसे पहला कौन सा आएगा? क्रिया विशेषण। पहला पार्ट है अव्यय का। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा पार्ट आएगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। फिर आएगा विस्म्यादी बोधक। विस्म्यादी बोधक के बाद में आएगा निपात। ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा। और इसके बाद में फिर कौन कौन सा बचेगा? एक तो वाच्य बचा, वाच्य। और वाच्य के बाद में साथ साथ हम पढ़ेंगे वो वाच्य हो जाएगा और तुम्हारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का एक अलग से टॉपिक चलेगा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पांच टॉपिक बचते हैं। पांच टॉपिक कौन कौन से बचेंगे? समास, संधि, रस, छंद, अलंकार। अब ये तो है लर्निंग वर्क तुम्हारा, ठीक। लर्निंग वर्क नहीं, ये तो मैं यहाँ क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा सारा। एक टॉपिक और बच गया इसमें, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। ये सब क्या है? इसमें से तुम्हारा अगर जो 50 नंबर का एग्जाम आएगा तो इसमें से तुम्हें 30 के आसपास मिल जाएगा। 30 या 25 के आसपास मिलेगा इस वाले पोर्शन में से, ठीक है। अब दो भागों में करना है। ये तो हो गया तुम्हारा पढ़ने वाला, एक हो जाएगा लर्निंग वर्क जो तुम्हें लर्न करना है अपने आप से, ठीक है। उसमें सबसे पहले टॉपिक देख लेंगे कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले हमें याद करने हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद में याद करने हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के याद करने हैं जी मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां याद करनी है। इसके बाद में करना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। फिर याद करना है भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द हर पोर्शन में से आएगा, किसी में से एक नंबर का आएगा, किसी में से दो नंबर का आएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ में फिर जो याद है शुद्ध वर्तनी शब्द हर एग्जाम में मिलेंगे, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसी के याद तो है नहीं कि बिल्कुल हाँ सटीक अकी यही बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा है। शुद्ध वर्तनी शब्द हो गया, शुद्ध वाक्य छाटना, शुद्ध वाक्य छाटना, रिक्त स्थान भरना, रिक्त स्थान भरना अपना एक अलग सा टॉपिक है। फिर आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पूरे पांच नंबर का आता है, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ पांच क्वेश्चन मिलेंगे, पांच नंबर का आएगा। और क्या बचा इसमें? वाक्यों को कर्मानुसार लगाना, वाक्यों को कर्मानुसार लगाना, जिसे हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कि पार्ट में टुकड़े कर करके दे देगा, फिर बोलेगा कि इसका सही क्रम बढ़ाओ,
क्या सही क्रम बनेगा, कौन से सही क्रम में ये सेंटेंस लगेगा। ये हमारा सिलेबस है और इसमें एक टॉपिक बच गया सबसे, हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास ये हमारे टॉपिक है। और ये सारा क्या है, ये सारा लर्निंग वर्क है, ठीक है, तुम्हें खुद से याद करना पड़ेगा ये सब कुछ। ये हमारा सिलेबस था। और भाई अब देख लो कि तुम कि कितना पढ़ना है, कम से कम 32-33 टॉपिक हो जाएंगे हिंदी में, हमें जो पढ़ने हैं 32-33 टॉपिक के आसपास पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। अगर कोई नहीं सोच रहा हो कि हिंदी आसान है, हिंदी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। मैं सारे नोट्स तैयार कराऊंगा हिंदी में A to Z। अगर जैसे किसी को नोट्स तैयार करने हो तो वो अपने नोट्स भी तैयार कर ले, ठीक है। सब अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे। अगर कोई हमारे YouTube चैनल से पढ़ना चाहता है तो ये सब अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठे। जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट करते चले साथ के साथ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये सिलेबस था, सिलेबस डिफाइन किया। अगली क्लास का पहला लेक्चर चलेगा, उसमें चलेगा हिंदी वर्ड।